नमस्कार, बीजीटी मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूँ यमलेश बंजारी। आज समूचे देश और दुनिया में बाघों के संरक्षण की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। कितना महत्वपूर्ण ये दिन है, किस तरह का कार्यक्रम आज कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला में आयोजित किया गया है, हमारे साथ चर्चा के लिए उप संचालक कोर मौजूद है। सर बताएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वो संकल्प लेने का दिवस है कि बाघ संरक्षण में सभी लोग पूर्णतः सहयोग देंगे। इसी संकल्प के कारण आज बाघों की संख्या में कुछ काफ़ी इजाफा हो चुका है और आगे भी इसका इजाफा होता रहे तो इसके लिए सभी का सहयोग लगेगा। इसलिए ये हमारे पूरे कॉस्मास इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए कितना महत्वपूर्ण है टाइगर। सर, टाइगर्स को एक टर्म होता है इकोलॉजी में, कीस्टोन स्पीशीज़ और अम्ब्रेला स्पीशीज़, मतलब कि ऐसी प्रजातियाँ जिनके संरक्षण से ही बाकी प्रजातियाँ संरक्षित हो जाती हैं और इनके एक्सटिंक्शन से बाकी प्रजातियों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। टाइगर उनमें से एक है, तो इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर का कंसेप्शन ही किया गया था कि हम जब बाघ का संरक्षण करेंगे तो उसके लिए पूरे इकोसिस्टम का, पूरे हैबिटेट का, वन का, वन्य प्राणियों का, समस्त का हम संरक्षण करेंगे। हम देख रहे हैं कि लगातार मनुष्य जो है जंगलों पर कब्जा करते जा रहा है, ऐसी स्थिति में कितना ज़रूरी हो जाता है टाइगर के संरक्षण के लिए वनों का और भी बढ़ाना, उसके संरक्षण की बात करना। नहीं, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। आप जैसा कि आप जानते हैं कि धीरे धीरे एक ग्लोबल वार्मिंग के कारण काफ़ी बदलाव देखा जा रहा है क्लाइमेट में। अभी इंटरनेशनली जुलाई माह जो है उसको अभी तक का पूरी हिस्ट्री का सबसे गर्म जुलाई घोषित किया गया है। यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने अभी रिसेंटली बोला है कि ग्लोबल वार्मिंग का समय ख़त्म हो गया, ग्लोबल बॉयलिंग का समय आ गया है। तो निश्चय ही वन जो है वो एक लंग्स का काम करते हैं पूरे धरती के लिए। जब तक वन नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ना ही पानी रहेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो भी हमारे ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है उसके लिए वनों का संरक्षण, वन्य प्राणी का संरक्षण, बाघ संरक्षण बहुत जरूरी है। आज जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है एकलव्य परिसर में, इसके माध्यम से क्या कुछ मैसेज दिया गया है खासकर जिलेवासियों को, प्रदेशवासियों? आज एक सभी बच्चों से काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन भी हुआ। बच्चों, क्योंकि ये फ्यूचर की जनरेशन है तो इनको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काफ़ी अवेयरनेस जनरेशन का काम किया। कान्हा में क्या एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में बताया गया, साथ ही इको टूरिज़्म के महत्व के बारे में बताया गया। इको टूरिज़्म होता क्या है और कैसे हम, यदि टूरिज़्म करना है तो किस प्रकार से करना है कि जिससे जिस क्षेत्र में आप जा रहे हो उस पर दुष्प्रभाव कम से कम हो, ना के बराबर हो, और कैसे स्थानीय समुदाय को उससे पूरा पूरा सहयोग मिल सके, इस प्रकार का मैसेज सभी बच्चों को दिया गया है। वनों के लिए, वनों के संरक्षण में और इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए बाघ कितना महत्वपूर्ण है, बाघ का क्या कुछ महत्व है, तो यही कुछ मैसेज दिया गया है आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से।